Fantasy and a dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इस मीटिंग का समापन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तीन शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पे बैठे बैठे, मैं जब उनका नाम अनाउंस करूं, आप सीटी बजानी आती है तो सीटी से, हुटिंग से, तालियों से आप उनका वेलकम करेंगे। वो न्यू टेक्निकल अचीवर है और जब बड़े भाई की शादी हो जाती है ना तो छोटा डांस करता है, क्यों करता है उसको पता है, इसके बाद मेरा ही नंबर है। तो आपको भी जब आरसीएम में पहला करोड़पति बना था मुकेश कोठारी जी, मैं उस मीटिंग में था, 700 लोग थे उस मीटिंग में। मुकेश कोठारी जी पहले करोड़पति बने आरसीएम से, डिक्लेयर हुआ कि आरसीएम से टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मुकेश कोठारी, 2004 की बात बता रहा हूं मैं। आज तो वो 100 करोड़ के व्यक्ति हैं इस बिजनेस से। तो उस हॉल में सभी लोगों ने ताली बजाई, लेकिन सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाई थी। सुरेंद्र भाजी जब करोड़पति बने, 400 लोग थे, सभी ने ताली बजाई, सबसे ज्यादा ताली मैंने बजाई थी। और उसका रिजल्ट क्या आया, उनके पीछे पीछे मैं भी करोड़पति बना। तो जो टेक्निकल अचीवर है हमारे, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सर इतनी ताली बजाएं, इतनी ताली बजाएं, इतनी ताली बजाएं। इस हाथ में लकीरें होती हैं, कुछ गरीबी की होती है, कुछ अमीरी की होती है। और जब भी आप ताली बजाओगे ना, जो गरीबी वाली लकीर है वो खत्म होती जाती है, अमीरी वाली लकीर है उभरती चली जाती है। तो इतनी जोर से ताली बजाएं, इतनी जोर से ताली बजाएं, ताकि आज यहीं बैठे बैठे आपकी गरीबी की लकीर खत्म हो जाए और अमीरी की लकीर उभर जाए। तैयार है? yes. तो सबसे पहले ब्रांड न्यू पर्ल अचीवर। पर्ल का मतलब है एक महीने का जो बिजनेस होता है वो मिनिमम 10 लाख रुपए का होता है, मिनिमम 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम। अगर एमआरपी की बात करो, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है 17-18 लाख का। 18 लाख का बिजनेस, उनकी दुकान नहीं है, फैक्ट्री लगा रखी, कोई शोरूम नहीं खोल रखा उन्होंने, लेकिन 17-18 लाख का बिजनेस होता है। और एक महीने का अगर 17-18 लाख का बिजनेस है तो एक साल का करोड़ों में हो गया। यस और नो? तो ऐसे कुछ साथी, और लगाया उन्होंने भी कुछ नहीं है, लगाया उन्होंने भी जीरो ही है। तो ऐसे एक साथी जो आपके बिहार से नहीं है, लेकिन आपके बिहार के साथ वाले स्टेट उत्तर प्रदेश से है, और बिहार के लोग मेहमानों का स्वागत बहुत जोरदार करते हैं, क्या मैं सही हूं? yes. तो मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं सीटियों के साथ, yes. के साथ, तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, सबसे पहले पर्ल अचीवर हमारे शानदार जानदार, बहुत पसंद करता हूं मैं उनको, और बहुत बड़े अचीवर बनेंगे, उनके अंदर वो योग्यता है, वो काबिलियत है बहुत आगे जाने की। अब सबकी तालियों के साथ एक बार शुरुआत कर दो, मैं उनका नाम लेने जा रहा हूं, मिस्टर रविंदर यादव फ्रॉम बलिया। हमारे ब्रांड न्यू पर्ल अचीवर रविंदर यादव जी, वेलकम है सर आपका। और इनका ड्रीम बहुत बड़ा आरसीएम को लेके, इनका बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस को लेके, और डेफिनेटली उनका वो ड्रीम पूरा होगा। नेक्स्ट अचीवर को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, वो आपके बिहार से हैं, आपके छपरा से हैं, और मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा सर, जब से वो बिजनेस में एक्टिव हुए हैं,
जब से उन्होंने काम करना चालू किया है, इस पूरे छपरा के बिजनेस की तस्वीर को ही बदल दिया उन्होंने। मेरा ड्रीम था सिर्फ बिहार में छपरा में लाइन लगनी चाहिए अचीवर्स की, और जब से उन्होंने काम करना चालू किया है डेफिनेटली इस ड्रीम को उन्होंने पूरा कर दिया। और खाली छपरा में नहीं, अभी एक बहुत बड़ी टीम थी डेयरी ऑन सोन, उन्होंने अपने बिजनेस को डेयरी ऑन सोन में और डेयरी ऑन सोन के अलावा भी बहुत सारी जगह पे फैला दिया। मिलना चाहेंगे इतनी यस में नहीं, थोड़ा सा जोर लगाओ, अपने जो एक्साइटमेंट के लेवल को है ना उसको 100 से भी ऊपर लेके जाओ। मिलना चाहते हैं, मैं आप सबकी तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, सीटियों के साथ, हुटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप। टाउन नहीं होगा जहां पे छपरा का बिजनेस नहीं होगा। आप तैयार हैं? yes! जिस शख्स
शुरुआत की, मैं उनको इनवाइट करना चाह रहा हूं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार पर। एक महीने का जो बिजनेस होता है, बिजनेस वॉल्यूम 20 लाख रुपए का मिनिमम, अगर डीपी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करें, तो लगभग 35 से 40 लाख का बिजनेस, और 40 लाख का बिजनेस साल की बिजनेस की बात करें तो लगभग साल में 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस उनका होता है। तो 5 करोड़ से बड़ा बिजनेस छपरा से शुरुआत की, 1200-1500 रुपए के बिजनेस से शुरुआत की, और आज इतने बड़े बिजनेस को उन्होंने निर्माण कर दिया। मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं, आप मिलने के लिए तैयार है? सीटियां तालियां लोटा लेके जाते थे, सुबह लोटा लेके
तो वहां से मैंने शुरुआत की आज से काफी समय पहले। और आज रविंदर जी ने बलिया के अंदर नहीं, इनका बिजनेस नोएडा में भी है, इनका बिजनेस जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, इनका बिजनेस दिल्ली के अंदर भी है और बहुत सारी जगह पे रविंदर यादव जी का बिजनेस है। तो आरसीएम से पहले क्या काम करते थे, टोटल इनकम कितनी आ चुकी है और आज कैसा लग रहा है इस लेवल पे, जाके इनको सुनना चाहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं माइक्रोफोन हैंडओवर करने जा रहा हूँ रविंदर यादव जी का। जय आरसीएम दोस्तों, नाम तो गुरुदेव बार बार ले रहे, रविंद्र यादव बलिया से। 2004 में मेरी स्टार्ट हुई थी, लगभग 17 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है आरसीएम में। अब लोग सोचे कि गुरुदेव बोल रहे थे बार बार कि 4 साल में अचीवमेंट मिलेगी, 4 साल मिलेगी, तो मैं सच्चाई बता दूं कि ये जो मेरा पिन है स्टार पर, मेरा पर्सनल पिन तो मेरे स्टार पर है, लेकिन ये जो मेरी आईडी है मेरी वाइफ के नाम से आईडी है, वो आज तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, तो मेरे घर में ये सेकंड टेक्निकल अचीवर का पिन है मेरे घर में, जो कि 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं अपनी बात बताऊं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं लकी हूं कि जो हमें आज आरसीएम समझाने का और सर के हाथों जो सम्मानित होने का जो मौका मिलेगा, वो पहली बार गुरुदेव बता रहे थे लोटा लेके जाते थे, हमें सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की थी कि गुरुदेव तो बुला होती है हरियाणा से, लेकिन सर को टॉयलेट कहाँ कराने लेके जाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, क्योंकि मच्छरदान आए थे पहली बार, बोले सर रविंदर बड़ा मच्छर बड़ा बड़ा होते हैं यहाँ पे, तो बड़ी टेंशन हुआ करती थी। लेकिन गुरुदेव बोलते थे रविंदर टेंशन मत लो, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और पूरी गारंटी मैं लेता हूं। गुरुदेव ने वादा किया था, आज रविंदर यादव को उठा करके यहाँ पे लाने में सबसे बड़े गुरुदेव का हाथ है। मैं चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव के बारे में बताएं। हमारे बीच में सरदार जनरल सर है, जो हमारे गुरु कदम कदम पे चल के हमारे साथ में हर चीज पे काम किए। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उस टाइम को, 2004 में जब मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो एक ही सपना था कि सर मेरी शादी जब होगी ना, तो जो कार होगी मेरी वाइफ जो आएगी मेरी अपनी कार में आएगी, क्योंकि किसान का बेटा हूं, मेरे फादर मदर जो भी आप देखेंगे तो अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं दोनों लोग हैं, वो साइकिल खरीदने की हमारी औकात नहीं थी। हमारा गांव यहाँ बैरिया, आप नाम सुने होंगे, बैरिया से 5 किलोमीटर आगे दया छपरा मेरा गाँव है, लेकिन बलिया से लगभग 35 किलोमीटर दूर मेरा गाँव होते हुए हमने शहर को शिफ्ट किए। गुरुदेव का आदेश हुआ, गांव में रहोगे गांव के बिजनेस के कंट्रोल करते रह जाओगे, जब बड़े शहर में जाओगे तो वहां से कई शहरों में तुम्हारा बिजनेस जाएगा। पहली बार एक साइकिल लेकर के गया था मैं बलिया शहर में, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से, इस आरसीएम के आशीर्वाद से मेरे घर में आज से 13 साल पहले तो पहली कार मेरे घर में आई थी, टाटा इंडिका, जो लगभग 4.5 लाख का हुआ करती थी। लेकिन गुरुदेव पिछले साल आपने आशीर्वाद दिया, मैं क्योंकि मैं गुरुदेव का पीछा करता हूँ, आपको एक बार बता दूं, छोटा सा एक मैसेज रहेगा कि आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार हर मीटिंग में ये बोलता हूं कि आप अपने किसी भी जिसको अपना गुरु मानते हो उसको कस के उसका जो बेल्ट है ना, बेल्ट को पकड़ लीजिए। बोले कि आप जैसे जाओगे मैं तो जाऊंगा, मैंने गुरुदेव का बेल्ट पकड़ रखा है। सर ने बोला ना, सपना था कि एक घर बने, सर ने घर बनवाया। सपना था एक कार ले, कार लिए, सर का सपना है दूसरी कार, सर का सपना है तीसरी कार, तीसरा घर, सब कुछ किए। दोस्तों मैं भी बता दूं, मैं गांव से साइकिल लेके गया था, आप बलिया सिटी में, मेन सिटी में अब जाएंगे तो मैंने अपना घर बनाया है, लगभग 55 लाख रुपए उसकी वैल्यू है दोस्तों। पहली कार मेरे को आज से 13 साल पहले मिली, लेकिन दूसरी कार ठीक 1 साल पहले बाहर मेरी खड़ी है, लगभग 12.5 लाख की विटारा ब्रेजा, सबसे टॉप मॉडल मैंने खरीद के आज सबसे दिखाया। सपना दिखाया, सर बोले थे ना कि आप साइकिल होगी तो आपको धूप लगेगा बरसात लगेगा, तो मुझे आज ही जनरल सर की बात याद है, रविंदर बोलते थे रविंदर टेंशन मत लो, एक ऐसा टाइम आएगा तुम्हारे न ठंड लगेगी न गर्मी लगेगी न बरसात का मतलब होगा। आज से 17 साल पहले सर जब बोलते थे तो मैं समझ नहीं पाता था बोल क्या रहे हैं, क्योंकि साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, नया साइकिल सेकेंड हैंड साइकिल मेरे घर में थी, उस समय नहीं समझ में आया था कि आरसीएम क्या देने वाला है। लेकिन दोस्तों आरसीएम इतना पैसा दिया है, मैं अपनी बात बताऊं, मेरी लाइफ स्टाइल की बात करें, आइएगा कभी बलिया में सेमिनार 17 जनवरी को, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, आके देखिएगा कि आरसीएम ने हमें क्या दिया है। अगर 100 में मैसेज करें, टोटल इनकम की बात करें, तो करोड़पति में लाइन मेरा भी गुरुदेव लगने वाला है, ज्यादा नहीं लगभग 8 लाख ही कम पड़ रहा है, लगभग 92 लाख रुपए मेरी फेरी फैमिली के घर में 92 लाख रुपया तक आरसीएम मेरे घर में दे चुका है। बाकी बातें बहुत कुछ होगी, हमेशा मीटिंग में मिलते रहेंगे, लेकिन आज समय है सभी सीनियर का और अचीवर का सुनने का, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरुदेव ऐसे शानदार फल देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर सर, और इनके खुद के प्रोग्राम होते हैं सर, जो अचीवर मेरे सामने खड़े हैं
वो समटाइम हमें लगता होगा कि ये तो छपरा से ही नवनीत जी, डॉक्टर प्रेमलाल जी छपरा से हैं, छपरा के बंदे को क्या सुनना, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है बट होती नहीं है ना, मुर्गी मुर्गी होती है, दाल दाल होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी मौका मिले आपको रविंदर जी को सुनने का, नवनीत सर को सुनने का, डॉक्टर प्रेमलाल जी को सुनने का, तो जरूर सुनना इनको, बड़े अच्छे शानदार लीडर हैं। बाहर के बहुत सारे लोग, हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसा बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और दूसरे अचीवर हमारे बीच में है, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, अगले 5 से 7 मिनट में हम क्लोज करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को, समय का अभाव, समय को देखते हुए। तो अगले अचीवर हमारे बीच में छपरा से ही है, और छपरा वाले छपरा वालों का स्वागत कैसे करते हैं, वो अपना नाम बताएंगे, आरसीएम से पहले आरसीएम के साथ में क्या काम करते हैं, और टोटल इनकम आरसीएम से कितनी आ चुकी है, और हाईएस्ट कितनी आई है, उनके बारे में जानते हैं, और आज उनको कैसा लग रहा है। तो तालियां बजा सकते हैं आप। मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले भाभी जी से पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बताओ, आरसीएम से पहले वाले नवनीत जी और आरसीएम के बाद वाले नवनीत जी में कुछ अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। ये बहुत बड़ी चीज है सर, पैसा ही नहीं देता खाली आरसीएम, एक व्यक्ति को, एक इंसान को इंसान बना देता है, बिजनेस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पैसा बाहर बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जो जिंदगी इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं करेंगे अगर आप इस बिजनेस में काम करोगे, बहुत सारे लोग आपके पैर छुएंगे, बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद देंगे, बहुत सारे लोग आपका ऑटोग्राफ लेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ में फोटोग्राफ करवाएंगे, बहुत सारे लोग आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे, बहुत कुछ देता है। तो हमारे बीच में एक शानदार छपरा के लीडर हैं, नवनीत जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसा लग रहा है आज उनको यहां पे आके, टोटल इनकम और हाईएस्ट इनकम के बारे में, और आरसीएम के साथ में क्या काम करते हैं। आप सबकी जोरदार ताली। थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों, मैं अपने बता दूं, मेरा नाम नौरी कुमार। आरसीएम के आने के पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया करता था। इस काम के बारे में बताना यही चाहूंगा, जब मैं काम किया करता था तो परिवार नहीं, बल्कि जिस जगह में काम करता था उसके लिए काम करता था, परिवार के लिए भी नहीं काम कर पाता था। इसको आप जो साथी मेरे, जो भाई यहाँ बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि सर्विस नौकरी क्या होती है, वो इस चीज को एहसास महसूस कर सकते हैं। अभी जब मैं इस सिस्टम में आया, मैं अपने भाई के माध्यम से विगत 4 से 5 साल पहले इस सिस्टम में जुड़ा जोर था। अभी वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गुरुदेव ये कहा करते हैं कि ये सिस्टम 3 तरीके से लोग चलाते हैं, लेकिन 2 तरीका जो है सबसे बेहतर तरीका होता है इस सिस्टम में काम करने के लिए। मैं जब शुरुआत किया था तो व्यक्ति 3 तरह से काम करते हैं, सम टाइम, पार्ट टाइम और फुल टाइम में। लेकिन मैं जब सम टाइम किया करता था, कुछ भी अचीवमेंट नहीं था मेरा, जो भी थोड़ा बहुत था, मतलब वो नहीं के बराबर ही कह सकते हैं। लेकिन जब मैं पार्ट टाइम कब शुरू किया, मैं बताना चाहूंगा कि वो था लॉकडाउन। लॉकडाउन के पहले से स्टार्ट जरूर किया, लेकिन लॉकडाउन से मैंने इसे पार्ट टाइम को फुल टाइम में बदल दिया। पार्ट टाइम का अर्थ ये कहिए कि 2 घंटा मैं सुबह, 2 घंटा शाम, ये पार्ट टाइम को ही फुल टाइम का ही डिफिनेशन कहलाता है। और आगे 1 साल तक मैं पूरा करते करते, जब मार्च 2021 में जब आया, तो मैंने उस दिन से फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और उस समय मेरा बी मुझे मिला टेक्निकल का, पर्न का, और फिर 6 महीने के बाद मेंटेन करते हुए मैं आगे सितंबर में स्टार पर्न पे मैं अचीव किया।
मैं अपने समस्त साथियों को इसका धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ उनको जिन्होंने अपने अपने पिन को चेंज करते हुए अपने अपलाइन का भी पिन चेंज किया। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस सिस्टम में मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने लिए करें और जितना हो सके अपने नीचे वाले जो अलाइन लाइन है उनको पूरा पूरा सहयोग कर उन्हें उनके पिन को चेंज करवाएं। यही मेरा आप लोग साथ मैसेज है। साथ में मैं अपने इनकम के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं विगत दो साल मार्च में जो मैंने स्टार्ट किया था उस समय से मेरा इनकम अब तक लगभग 20 लाख के आसपास मैं प्राप्त किया हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नवनीत सर। 2 साल में 20 लाख रुपए आर्शिप, मेरे 2 साल में 1 लाख रुपए भी नहीं आए थे। दो साल में 81,000 रुपए आए थे और नवनीत जी के 2 साल में 20 लाख आ गए, तो अगले 20 साल में कितने आएंगे? करोड़पति तो सर ना, एक साल की कहानी है करोड़पति की। तो मैं आपको कुछ साथी ताली नहीं बजा रहे, उनको लग रहा होगा कि पैसे तो नवनीत जी के घर में आ रहे हैं, मैं क्यों ताली बजाऊंगा। बट आप थोड़ा सा पावर तो समझना सर कि जब से सर ने जो है मैसेज दिया कि जब से सीरियसली काम करना स्टार्ट किया उसके बाद बिजनेस कहीं से कहीं चला गया। तो इम्पोर्टेंट इस बिजनेस में आप कब आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिजनेस आपके अंदर कब आएगा वो इम्पोर्टेंट है। हेलो और बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे बीच में एक और शख्सियत है जिन्होंने छपरा के अंदर बिजनेस की शुरुआत की, उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन उनको सुनने से पहले हम भाभी जी को सुनते हैं, उनको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आपके इस अचीवमेंट को देख के, उनको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। नुकसान में कुछ अंतर है? पहले वाले प्रेमलाल जी और आरसी वाले प्रेमलाल कितना देखिए क्या होता है सर, पहली बार जब भाभी जी ने तो माइक पकड़ लिया, हमने माइक पकड़ा था तो हाथ कांप रहे थे हमारे। ये बड़ी खतरनाक चीज है, शुरू में इससे बहुत डर लगता है और बाद में इसका छोड़ने का मन नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लग रहा भाभी जी को और आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, अगले 5 से 7 मिनट में प्रोग्राम खत्म करेंगे हम। एक बार आप बैठे रहे जो भी साथी है, 5 मिनट और रुके, लास्ट में प्रसाद मिलने वाला है और प्रसाद लेके जरूर जाएंगे और 5 मिनट बाद ही मिलने वाला है। तैयार है? Yes! फिर नहीं तो आप फिर पूछोगे सीता किसका बाप था, अगर लास्ट तक नहीं रुके तो फिर पूछोगे। तो लास्ट में 5 मिनट में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर प्रेमलाल जी हैं जिन्होंने शुरुआत की थी छपरा में बिजनेस की और आज इनका बिजनेस जो ये पौधा लगाया था एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने जा रहा है और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में हर एक सिटी में डॉक्टर साहब का बिजनेस होगा, उसकी शुरुआत। और वो बिजनेस किसके नीचे होगा? वो आप ही लोगों के नीचे होगा। तो एक बार आप सबकी तालियों के साथ मैं शॉर्ट मैसेज के लिए इन्वाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर प्रेमलाल जी। साथियों, आज का सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा? कितना आप लोगों को अच्छा लगा, कितना बुरा लगा मुझे नहीं पता। आप लोग कितना समय दिए, क्या आज के दिन आने के लिए आपने कुर्बानी दी, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे एक मालूम है जो आप लोग को एक बार आशीर्वाद चाहिए पूरे तहे दिल से। ये आशीर्वाद मैं अपने लिए नहीं मांगा, यह आशीर्वाद मैं आप लोगों से इसलिए मांगा कि मैं आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आप लोगों से अपना आशीर्वाद। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब टाइम बोलता है, जिस हिसाब से चलता है आप उस हिसाब से चल दो। उनके कदम पे निशान लगती है, उसी निशान पे आपको चलना है। धीरे चलोगे तो धीरे अचीवमेंट मिलेगा। अपलाइन चलता है फास्ट, जैसे अब इस हिसाब से चलो आपको अचीवमेंट उसी हिसाब से मिलेगा। आपकी अचीवमेंट आप
आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा। सर बता रहे थे डेली दो प्लान, डेली दो प्लान, डेली दो प्लान, हम सुबह शाम खाते हैं ना, बस डेली दो प्लान। इस प्लान से आपको तीन काम करेंगे, इसी से रिजल्ट आएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बीभी 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 तीन ही चीज, यानी बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू। आपका बिजनेस वैल्यू आएगा प्लान देने से, आपका बिजनेस वैल्यू आएगा प्रोडक्ट यूज करने से, आपके पास बिजनेस वैल्यू आएगा लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने से। यही बीच भी जमाएगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपकी अचीवमेंट आएगी, आपकी टीम की अचीवमेंट आएगी। केवल एक बीवी का खेल है और उसमें अपना दिमाग लगाने का कोई मेल नहीं है। जैसे आप लाइन बोलते हैं वैसे करते जाए, अब लाइन कहते हैं यहाँ से कूद जाओ तो आप कूद जाए, निसंकोच आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगा, कोई जख्म नहीं होगा, क्योंकि अपलाइन नीचे आपके कूदने से पहले अपना हाथ बिछा के रखता है, थोड़ा सा दर्द होगा कूदने से पहले, बस आपको वो क्षमता अपलाइन कहता है वो करना है। जैसे सर बता रहे थे आगे बढ़ना है तो डायमंड क्लब करना है, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रुकेगा। एक बार तो मत दर्द होगा क्योंकि आदत लगी है पड़ोस में झांकने की, तो दर्द हो गया नहीं होगा क्योंकि पड़ोस छोड़ना पड़ेगा। अर्जेंट प्रोडक्ट खाएंगे वो 5000 बीबी का बेचेंगे, 5000 बीबी का तो थोड़ा सा दर्द होगा। एक दो महीना, तीसरे महीना से आप रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि पैसे के पीछे लोग भागते हैं, आप भी भागना शुरू करेंगे। इसके बाद आपकी अचीवमेंट आएगी, आप आगे आगे, पैसा पीछे पीछे होगा, लेकिन पहले आपको पैसे के पीछे भागने की आदत है तो भागना पड़ेगा। भाग सकते हैं, भाग सकते हैं, भागेंगे तो आपके पास पीछे पीछे भी पैसा भागेगी। बस इतनी सी बात है। हम टोटल इनकम की बात करें, हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 141,000 आया एक बार, हाईएस्ट इनकम की बात। और अभी तक में जैसे रविंद्र सर बोले, आज जो अपनी औकात की मैं बात करूं तो आज हम भी करोड़पति के लाइन में या करोड़पति से प्लस की बात करें, क्योंकि इस सिस्टम का देन है। इस सिटी में आपके यहाँ 5 कट्ठा बोलते हैं, कुछ जगह 5 बीसा बोलते हैं, बाकी किला बोलते हैं, जो जहां है जैसे है वैसे समझ लें। वैसे ही हमने किया, 3 कट्ठा मार्केट बनाने के लिए हमने लिया। आज उसकी औकात वो है कि एक बार एक व्यक्ति हमसे बोला कि सर कहां आर्थिक के पीछे पड़े हो, आ जाओ, एक कंपनी है, हमने एक साल में तो बहुत सारा पैसा कमाया, हमने कार अचीव किया, कार अचीव किया। हमने कहा कि कितने की, 6 लाख की उन्होंने अचीव किया। पता है कि कार कैसे अचीव किया जाता है? हमने कहा कि बहुत बढ़िया है आपका कार, मुबारक हो, आप पार्टी शार्टी दे रहे हो, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहा कि काम को छोड़ दो, मेरे साथ लग जाओ। हमने कहा कि तू छोड़ दे यार, तू मेरे साथ लग जाओ। वो कहा क्यों? हमने कहा कि 8 कट्ठा जमीन, बिहार के भाई हैं आप लोग, यूपी वाले, बिहार वाले, 8 कट्ठा जमीन अगर हम फेंक के बेचेंगे तो शहर में 5 लाख रुपए कट्ठा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिक जाएगा। कितने पैसे हुए जी? कितना? कितना? अब 6 लाख की कार, अब 40 लाख में से कितना कार ले सकते हैं हम? हाँ जी, अब जरा सोचो। हमने कहा कि एक में मैं बैठूंगा, बाकी पीछे कार होगी, किसी वीआईपी से कम हमें क्या? ये है हमारी अचीवमेंट। बच्चे को बीटेक करवाया, एक को सीए करवाया, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, दो नौकरी कर रहे हैं, ये है हमारी अचीवमेंट। कम है क्या? सबसे जो खास बात है कि हम लोग जीते जी स्वर्ग का सपना देखते हैं, लेकिन स्वर्ग तो तब मिलता है मरने के, मरने के। आरसी में कैसा बिजनेस है कि जीते जी, जीते जी कर करके आप जीवन को स्वर्ग जैसा एहसास ले सकते हैं, जैसे हमारे गुरु जी बता रहे हैं। अभी हम लोग सारे साथ में थे, वो स्वर्ग जैसे माहौल को हम लोग अभी जी के आए हैं, कल ही हम लोग पहुंचे हैं। नवनीत जी भी, दोनों आदमी थे, हम भी थे, दोनों आदमी साथ में डिस्कसिंग भी थे। यानी जीते जी स्वर्ग में जीना चाहते हैं कि मर के 5 स्वर्ग में जीना चाहते हैं? कितने कितने? जिनके हाथ नहीं उठ रही है, जिनकी आवाज नहीं निकल रही है, भाई गलती से भी बोलना शुरू करो, बोलो बोलो, बोलने से ही सब कुछ हो जाता है।
देखते हो टिकट कटाने के लिए जाते हो, लाइन में खड़े होते हो, आपका मन ढंगा होता है लेकिन आगे वाला खसकते जाता है, पीछे वाला धक्का देता है, आप कहां चले जाते हो? सेम चीज यहां भी है, आपको लाइन भी आगे खींचने के लिए तैयार है, पीछे से लाइन लाइन भी धक्का देने के लिए तैयार है, आपके जीवन में सारी सक्सेस आएगी। थैंक यू, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रेमलाल जी। और अच्छा मैं एक आपको पूछना चाह रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? बहुत कुछ हो रहा है और बोला जाता है जब कुछ होता है फिर बहुत कुछ होता है। पहली मीटिंग में मैं बैठा था आज से 21 साल पहले, पहली मीटिंग में बैठने से मेरे को कुछ हुआ और उसके बाद जीवन में बहुत कुछ हुआ। और मैं आज गारंटी ले रहा हूँ, आज इस हॉल में बैठ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एग्जांपल देंगे कि उस छपरा की उस मीटिंग को मैं अटेंड करके आया था, उसके बाद आरसीएम को शुरू किया और जीवन बदल दिया। तो तीन साथियों को हम ट्रॉफी से सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ रविंदर यादव जी को, एक बार आगे आएंगे। और मैं कहता हूँ सर अब तक की सबसे जोरदार तालियां आप बज लीजिए हाथ ऊपर खड़े करके, आपके भाई को, आपके बच्चे को, आपके बेटे को जब इस तरह की ट्रॉफी मिलेगी तो कैसी तालियां आप बजाओगे? RCM The Dream World, Transforming Lives, Transforming India, where dreams come true.